आप सबने ये क्रम अपने विचारों के अनुसार बनाया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस क्रम को बदल भी सकता हूँ। बस हमें अपने विचार बदलने होंगे। मैंने पूरे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। सबसे ऊपर नाम मेरा ही होगा। पूरे गांव ने विचार कर लिया है, अब ये निश्चय बदल नहीं सकता। हाँ काका, मुझे पता है, पर आप ये बताइए काका कि क्या आपने अपनी घर की सभी स्वर्ण मुद्राएं दान कर दी? मैं नगर सेठ हूँ, नगर सेठ। मेरे पास बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं हैं, इससे कहीं अधिक, इतनी अधिक कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये तो बहुत अच्छी बात है काका। गोकुल में आप सबसे अधिक धनवान हैं। अच्छा भीमा काका, आपने भी तो 2,000 स्वर्ण मुद्राएं दान दी है ना? और कितनी स्वर्ण मुद्राएं हैं आपके पास? मेरे पास भी घर पर बहुत धन है। अच्छा देवेंद्र काका, आपने भी बहुत सा धन दान दिया है ना? आपके पास कितनी मुद्राएं हैं? हाँ पुत्र, ईश्वर की बहुत कृपा है, इसलिए मैंने ये दान किया है। इसका अर्थ है आप सभी दानदाताओं के पास बहुत धन है। अच्छा भोलू काका, आपने कितनी स्वर्ण मुद्राएं दान दी है? पुत्र, मेरे पास एक ही स्वर्ण मुद्रा थी, वो भी मैंने दान में दे दिया। जिसके पास एक स्वर्ण मुद्रा हो वो भला दान क्यों देगा? अपने पास नहीं रख लेगा? हाँ हाँ, मैं सत्य कह रहा हूँ कृष्ण। मेरे पास केवल एक ही स्वर्ण मुद्रा थी, वो भी मैंने प्रभु के चरणों में अर्पित कर दी। स्वर्ण मुद्रा की तो छोड़ो, कभी कभी एक समय की रोटी का भी अकाल पड़ता है। इसका अर्थ ये है कि सबसे अधिक धन भोलू काका ने दिया है। वल्लभ काका ने नहीं, इन्होंने तो अपने धन का एक छोटा सा अंश दान किया है, और वो भी अपने स्वार्थ हेतु, ताकि इनका नाम शिला पट पर सबसे शीर्ष में लिखा जाए। किंतु भोलू काका को देखिए, इनके पास एक ही स्वर्ण मुद्रा थी, वो भी इन्होंने दान कर दी। तो आप ही बताइए, सबसे बड़ा त्याग किसने किया? भोलू काका ने तो बड़ा त्याग किया है। इस हिसाब से शिलाखंड पर सर्वप्रथम नाम भोलू काका का ही होना चाहिए। क्यों भाइयों? भोलू काका की जय! भोलू काका की जय! भोलू काका की जय! हम सबके निश्चय को बदलने वाले तुम कौन होते हो? बच्चों का खेल समझाए। अरे सबसे अधिक धन मैंने दिया है, तो शिला पट पे सबसे ऊपर नाम मेरा ही लिखा जाएगा। नहीं प्रलाप, कान्हा ने केवल अपना विचार रखा है और उसके विचार को समर्थन पूरे गांव ने दिया है। मैं भी उसके विचार से सहमत हूँ और यही अंतिम निर्णय भी है। न्याय प्रिय नंदराज की, न्याय प्रिय नंदराज की, न्याय प्रिय नंदराज की, न्याय प्रिय नंदराज की, न्याय प्रिय नंदराज की। अंधेर नगरी चौपट राज। लगता है काका से बात करनी पड़ेगी।